अगली खबर है रीवा से, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने शांति समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द, शांति एवं भाईचारे के साथ मनाएं आगामी त्योहार। उन्होंने निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। कलेक्टर ने दशहरा, ईद, दीपावली एवं गुरु नानक देव जयंती त्योहारों को लेकर निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान आयोजक मंडल के सदस्य एवं जिला पुलिस बल यातायात व्यवस्था सुचारू रखे। कलेक्टर ने कहा कि नवरात्रि पर्व समाप्त होने के पश्चात दुर्गा जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान घाटों में पूर्ण सफाई की जाए, सड़कों की मरम्मत एवं प्रकाश व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इस बार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करहिया रोड पर स्थित नव निर्मित घाट में किया जाएगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान कोई भी व्यक्ति घाट से नदी में नहीं जाएगा। उन्होंने दशहरा पर्व को लेकर निर्देश दिए हैं कि एनसीसी ग्राउंड में रात्रि 11 बजे रावण का दहन किया जाएगा। इसके पूर्व किले से चल समारोह निकाला जाएगा। आयोजक मंडल का दायित्व है कि वे देखें कि चल समारोह पूरी व्यवस्था एवं अनुशासन के साथ निकाला जाए, कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था नहीं फैलाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी सड़कों के किनारे झूल रहे केबल को ऊंचा करवाएं। उन्होंने कहा कि मिलाद उन्नबी के पर्व के चल समारोह के रास्ते की मरम्मत कराई जाए। नगर पालिक निगम साफ सफाई की व्यवस्था करें, पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की जाए, विद्युत विभाग के अधिकारी आबाद विद्युत आपूर्ति करें। उन्होंने त्योहारों के समय पर्याप्त पेयजल की सप्लाई करने के निर्देश नगर पालिक निगम के आयुक्त को दिए। दशहरा के दिन किला, सिटी कोतवाली, स्टेचू चौराहा, अस्पताल चौराहा, सिरमौर चौराहा एवं रावण दहन स्थल पर टैंकर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि समारोह स्थलों पर चिकित्सा दल एवं आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हो, साथ ही चिकित्सा टीम के साथ एक एम्बुलेंस नियंत्रण कक्ष में रखें। उन्होंने दुर्गा पंडाल स्थल एवं चल समारोह मार्गों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर पालिक निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर सैलेन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, SDM अनुराग तिवारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।